अस्सलाम वालेकुम, मैं फराना आपकी खिदमत में हाजिर। इंफा फैशन हाउस में वेलकम। आज बेसिक बॉडीज का पार्ट टू हम स्टार्ट करेंगे। उसके लिए एलिप्स टू लेंगे हम 26 cm का, क्योंकि हमें रेडियस इसका 13 पॉइंट चाहिए। और इसको हम असाइन करेंगे अपने पॉइंट ओ पर। हम अपना लाइन सेगमेंट टू लेंगे और डी पॉइंट से डायगनल लाइन लेंगे, जो कि इस आर्क को क्रॉस करते हुए पास आउट होगा। और जिस पॉइंट पर ये पास आउट करेगा 44 cm अबाउट होगा। और ओ पॉइंट से डायगनल लाइन जिस पॉइंट पर ये मैच करेगा उसको हम मार्क करेंगे और इस मार्क को नाम असाइन करेंगे। एस, और इसी तरीके से एस पॉइंट से हम इसका मिड पॉइंट लेंगे 13 का 6.5, और इसको रोटेट करते हुए डायगनल लाइन के ऊपर हम इसको अलाइन करेंगे। इसका नाम चेंज करते हुए जी। और इसी तरीके से बस्ट लाइन पर पेल्विक पॉइंट का नाम हम असाइन करेंगे यू। इसी तरीके से हम अपने टी पॉइंट से 5 cm एक पॉइंट लेंगे। इसी लाइन पर इसको मूव करवाते रोटेट करवाएंगे हम। ये हमारा डार्ट का इंटेक है और इसका नाम हम यू W असाइन करेंगे। और V पॉइंट हम अपने क्रॉस लाइन पर 16 पॉइंट पे लेंगे। अपने डॉट लाइंस को सेलेक्ट करते हुए और क्रॉस लाइन की पॉइंट को हाफ पॉइंट को लेते हुए जितना डॉट में इंटेक आता है इसको हम रोटेट करवाएंगे अपने पेल्विक पॉइंट पे। पेल्विक पॉइंट से जब हम इसको फर्स्ट डॉट लेग को टी पॉइंट से डब्ल्यू पॉइंट तक हम इसको मूव करवाएंगे। ये हमारा 5 cm मूवमेंट है। और न्यू पॉइंट जो हमारा डब्ल्यू जो आएगा वो हम लेंगे। और इस तरीके से वी पॉइंट भी हमारा चेंज होगा। इस तरीके से हम क्रॉस लाइन पर पॉइंट अपना वाई जो मिड पॉइंट पर है वो लेंगे और इसके सिलेक्शन करते हुए इसको लॉक करेंगे। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में लॉक और सिलेक्शन लॉक कर देंगे। और वाई से एक्स वाई से एक लाइन पेन टूल से लेंगे और इसको थोड़ा सा हम मूव करवाएंगे, जो कि वी न्यू पॉइंट पर क्रॉस करता हुआ हमें मिलेगा। यह हमारा शोल्डर। अब इसी तरीके से बैक पर भी हम अपना सर्कल लेंगे, आर्क लेंगे 26 का आर्क हमारी 13 cm का होगा। और बी पॉइंट से डायगनल लाइन और अपने इसी शोल्डर पॉइंट से आर्क से डायगनल लाइन लेंगे, जो कि 13 cm पे क्रॉस करेगा। और इस पॉइंट को हम अपना नाम असाइन करेंगे जी। आर जी का हम मिड पॉइंट लेंगे 6.5। इससे पहले हम अपने क्रॉस लाइन पर एक अपना क्रॉस मेजरमेंट लेंगे 16.5। जी और आर का मिड पॉइंट 6.5 हमने लिया। और इसी तरीके से इसको हम 0.5 से राइट और लेफ्ट लेंगे और इसको रोटेट करते हुए अपनी अलाइन पर असाइन करेंगे। रेक्टेंगुलर से अपना लेंगे और इसको पॉइंट आउट करेंगे अपने रेड पॉइंट पर जो मिड पॉइंट था हमारा, और इसको रोटेट करवाएंगे अपना राइट एंगल की लाइन लेते लेने के लिए। इससे हम रेड पॉइंट से 7 cm की लाइन ड्रा करेंगे,
जो कि राइट एंगल पे होगी, और ये मिड पॉइंट होगा हमारा बैक डॉट का। इस लाइन को करते हुए रेक्टेंगल को इरेज कर देंगे, और C1 और B1 को हम अपने इस न्यू पॉइंट पर मैच कर देंगे, और इस पॉइंट को हम नाम असाइन करेंगे D1। M से हम अपने क्रॉस लाइन की जो मेजरमेंट लेंगे 18 cm, और इसी तरीके से इस लाइन में जितना हमारे इनटेक आना होगा डॉट में मिड पर तक एक लाइन लेंगे। इसको सेलेक्ट करते हुए अपने डॉट को पॉइंट से D1 से रोटेट करवाएंगे 1 cm तक, मतलब C1 से B1 जो कि 1 cm इनटेक है हमारा, और इस तरीके से न्यू Z पॉइंट और हमारा न्यू M पॉइंट आएगा, उसको सेलेक्ट करते हुए इसको लॉक कर देंगे, और पेन टूल से न्यू Z पॉइंट ऑफ Y से हम M को क्रॉस करते हुए एक हम कर्व लेंगे जो कि बैक शोल्डर कर्व होगा। अब तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट में हम वेस्ट डिटेक्शन में मिलेंगे।